ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल यानी कि 3 दिसंबर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, बाद में उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो आपको क्या है कि ट्रेड करने में आसानी हो। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर दिन लेते आते। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करने वाले और अच्छा रिस्पांस मिला तो प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी, अगर कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। कॉल साइड से हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा निफ्टी है वो 12,000 से लेकर 12,050 के बीच में कहीं क्लोज हुआ है, तो हम कॉल साइड देख रहे हैं। तो कॉल साइड सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,100 पे दिख रही है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में हम पुट साइड देखें तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 12,000 पे दिख रही है, तो ये मेरा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अब हम निफ्टी का कल कौन सा मूव दे सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूं, अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको कल मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, लेकिन कॉल साइड मेरे को कोई ऐसे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम पुट साइड आ जाते। अगर मेरे को पुट साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं निफ्टी कल डाउन साइड आएगा, लेकिन पुट साइड भी मेरे को कोई ऐसे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। फिर से हम कॉल साइड आ जाते। अगर मेरे को कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड में देख रहा हूं तो कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो ये पॉइंट से मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूं। अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूं कि निफ्टी कल अपसाइड जा सकता है, तो पुट साइड भी मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो इसका मतलब यह हो कि अपसाइड जाने के भी चांसेस है। इन सिंपल हमने 4 पॉइंट देखे, 4 में से 2 पॉइंट कुछ नहीं मिला, 1 पॉइंट डाउन का मिला, 1 पॉइंट अपसाइड का मिला। तो निफ्टी कल हो सकता है कि आपको दोनों तरह मूव देखने को मिले, या तो अनडिसीजनल टाइप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई आपकी निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस की ओर जाते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। सेम इसमें कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करेंगे। तो मैं देख रहा हूं तो मेरे को कॉल साइड सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 32,000 पे दिख रही, मतलब क्या हुआ, ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है कल। बाद में हम आ जाते हैं पुट साइड। तो पुट साइड में देख रहा हूं तो 31,500 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी का मूवमेंट जानने की कोशिश करते हैं, कल कौन से साइड बैंक निफ्टी जा सकता है। तो उसके लिए हम कॉल साइड से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखेंगे। अगर कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को नहीं मिली। पुट साइड देखते, पुट साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई देखने को मिले तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट जाएगा डाउन। तो पुट साइड हम देख रहे तो थोड़ी सी हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, इसका मतलब यह हुआ कि बैंक निफ्टी कल डाउन साइड दे सकता है। बाद में कॉल साइड आते हैं। कॉल साइड हमें शॉर्ट पोजीशन देखने को मिले तो हम ऐसा बोल सकते हैं निफ्टी जाएगा डाउन। तो कॉल साइड भी आपको शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रही है, तो डाउन जाने के चांसेस इस पॉइंट से भी है। बाद में हम पुट साइड आ जाए। पुट साइड हमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट जाएगा अप, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सिंपल ये पॉइंट से भी हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है मार्केट का। तो हमने 4 पॉइंट देखे बैंक निफ्टी में, इसमें से 2 डाउन साइड मिल रहे, 1 अपसाइड मिला और 1 में कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक निफ्टी में कल आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या है कि अगर आप सोचो तो एक क्या है कि अनडिसीजनल टाइप भी रह सकता है। डाउन साइड जाने के चांसेस है, लेकिन अनडिसीजनल भी रह सकता है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस और देखते कौन से रहेंगे सपोर्ट एंड कौन से रहेंगे रेजिस्टेंस हमारे कल के लिए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाद में कल का देखेंगे। तो पहले आज देख लेते हैं। तो पहली कैंडल आपको एक बड़ी रेड कलर की कैंडल दिख रही है। नो डाउट ये गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन पहली कैंडल रेड बना दी। बाद में किया थोड़ा अपसाइड आया। बाद में जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी 12,100 पे, उसके आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिले। और अपनी सपोर्ट लाइन थी वहां ये सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, लेकिन सपोर्ट अभी तक नहीं लिया है, प्रॉपर सपोर्ट अभी तक नहीं लिया। देखो वहां ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो मतलब प्रॉपर सपोर्ट अभी तक नहीं लिया है इसने। बाद में हम अगर कल इधर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब हम बाय कर सकते हैं, लेकिन कल प्रॉपर सपोर्ट ले तब। तो अगर हम कल की बात करें तो जो मेरा पहला सपोर्ट है तो वो वही है, ये जो 12,020 की लाइन है वही पहला सपोर्ट रहेगा। अगर मैं इसके नीचे देखूँ तो जो ये हमारे राइजिंग सपोर्ट लाइन है ये इस पे अगर सपोर्ट लेता है तब भी हम इसमें बाय आ सकते हैं। देखो मान लेते हैं ये थोड़ा नीचे आया, इसके आसपास ये सपोर्ट लेके जो ऊपर जाता है तब भी हम इसमें बाय में आ सकते हैं। ये थी हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे को सेल करना है तो कब करूंगा, तो पहले अगर मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूं तो जो ये 12,100 की लाइन है वही मेरी रेजिस्टेंस लाइन है अभी तक। अगर ये क्या है कि मार्केट कल ओपन होकर थोड़ा अपसाइड जाके आपको 12,100 पे रिवर्सल देखने को मिले, नीचे के ट्रेंड मिले, तब आप इसमें सेल कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर सिग्नल मिलने के बाद आपको फेक रिट्रेसमेंट या फेक सिग्नल से दूर रहना है। अगर आपको इधर से प्रॉपर डाउनसाइड देखने को मिलता है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 12,160 होगा। अगर ये इसके भी आसपास से कोई नीचे आने का ट्रेंड बताता है या साइन देता है तब भी मैं इसमें सेल में आ सकता हूँ। और एक और सिचुएशन, अगर मान लेते कल मार्केट ओपन होकर थोड़ा नीचे चला जाता है और जो ये लाइन है उस पर थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर से इधर से नीचे जाने का साइन देता है तब भी हम सेल में आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये थोड़ा ब्रेक करके नीचे चला गया, बाद में थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर आए तो बाद में डाउन साइड जाने के सिग्नल देता है तब भी हम इसमें सेल कर सकते हैं। इन सिंपल निफ्टी में हमारा सपोर्ट कौन से होंगे, रेजिस्टेंस कौन से होंगे कल के लिए, तो पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते। तो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12,100, बाद में दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 12,160 होगा। सपोर्ट की बात कर लेते तो पहला सपोर्ट होगा जो 12,020 का लेवल है वही, बाद में दूसरा सपोर्ट है ये जो हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उस पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है तब हम इसमें बाय में आ सकते हैं। ये थोड़ी राइजिंग सपोर्ट लाइन पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि एक चैनल टाइप भी बन चुका है, तो हो सके ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए तब मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर इस पे बाइंग सिग्नल देता है तब इधर से अगर बाइंग सिग्नल देता है तब हम इसमें बाय करेंगे। तो ये हो गया आपका निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो इधर मेरे को पहले ही बता देते हैं कि इसमें मेरे को एक क्या है कि फ्लैग टाइप 1 आवर्स पे फ्लैग टाइप या 15 मिनट पे देख रहे हो तो आपको एक चैनल टाइप दिख रहा है, जो ये रेड कलर की है ना वही की बात करें तो इसमें आपको ये इसके बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर गया तब आपको इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये हो गई थोड़ी एक्स्ट्रा बात, लेकिन पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो स्टार्टिंग पहले आज से करते हैं, आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा बैंक निफ्टी में। तो सिंपल है, पहले आपको ओपन हुआ रेड में, बाद में नीचे डाउन ट्रेंड मिला, बाद में हमारी सपोर्ट लाइन से थोड़ा आपको अपसाइड देखने को मिला है। तो ये हो गई आज की बात। अब कल क्या हो सकता है वो देखिए। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है रेड में तो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 31,770 वाली लाइन है, वही मेरा पहला सपोर्ट होगा। अगर इसके आसपास से कहीं ऊपर जाने के साइन देता है तब मैं बाय कर सकता हूँ। बाद में दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये कि इस जोन के आसपास जो जोन होगा वो 31,700 से लेके 31,650 के आजू बाजू कहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसमें क्या हो गई, ये चैनल के आपको क्या मिल रही है, सपोर्ट लाइन मतलब फॉलिंग सपोर्ट लाइन, और ये बड़ी वाली राइजिंग सपोर्ट लाइन, ये दोनों क्या है पास पास आ चुकी है। तो हो सकता है कल अगर बैंक निफ्टी डाउन भी जाता है तो इस जोन के आसपास से आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले, तब आप इसमें बाय साइड ले सकते हो। बाद में अगर दूसरी बाय साइड कब लूंगा, अगर ये कल ये चैनल या फ्लैग टाइप 1 आवर्स पे ब्रेक करके निकल जाता है तब भी हम इसमें बाइंग साइड आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तभी हम इसमें बाय करेंगे। बाद में अगर सेल साइड हो तब सेल साइड कम ले सकते हैं। अगर मेरे को ये अपनी क्या है कि जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर ये मेरे को रेजिस्टेंस लाइन जो हमारी 32,160 है वहां मिल गया और वहां से नीचे आने का साइन दे रहा है तब भी हम इसमें सेल साइड आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और लेवल है जो है 32,030 का लेवल, अगर इससे भी रिवर्सल साइन देता है हमें तब भी हम इसमें सेल साइड आ सकते हैं। तो ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट है वो क्या है कि एक लाइन ही है, मतलब फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, राइजिंग सपोर्ट लाइन है, वो दोनों पे अगर सपोर्ट लेता है तब भी हम बाइंग में आएंगे। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट कर दे तब भी हम बाइंग में आएंगे। और अगर ये क्या है कि रेजिस्टेंस लाइन जो 32,030 का लेवल है और उसके ऊपर 32,160 का लेवल है, अगर उस पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का साइन देता है तब हम इसमें सेल में आ सकते हैं। तो ये था हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करने वाले और बाद में अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।